हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा घर पे कितने आसानी से दही बैंगन बना सकते हैं। इसलिए दही बैंगन बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने अभी 250 ग्राम दही लिया है, 2 बड़े साइज का बैंगन लिया है, अभी मैंने 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा लिया हूँ, 2 कड़ी पत्ता लिया हूँ और 2 मिर्ची लिया है मैंने, सूखा वाला मिर्ची। अभी मैंने बैंगन को अच्छे से काट लिया हूँ, मैंने राउंड शेप में काटा है, आप चाहे तो उसको सीधा भी काट सकते हैं। अभी हम बैंगन को अच्छे से धो देंगे। अभी मैंने बैंगन को अच्छी तरह से धो चुका हूँ, उसको अभी हमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी उसमें ऐड करेंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारा नमक और हल्दी अच्छे से बैंगन से मिक्स हो गया, अभी उसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा तेल पूरा गर्म हो गया है, अभी हमें बैंगन को फ्राई कर लेंगे। अभी हमारा बैंगन को हम पलट देते हैं, उसको सादे बैंगन को हम अभी पलट देंगे। हमारा एक साइड थोड़ा थोड़ा हो गया है, अभी हमारा बैंगन पूरी तरीके से फ्राई हो गया है, अभी हमें उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हमने बैंगन को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम दही में तड़का लगा लेते हैं। अभी मैंने सरसों और जीरा को भी उस तेल में डाल देता हूँ, फिर उसको चम्मच में थोड़ा हिला देंगे, उसके बाद उसमें फिर मिर्ची और कड़ी पत्ता को उसमें डाल देंगे। अभी हमारा तड़का बन के तैयार हो गया है, अभी उसको हम दही में डाल देंगे। अभी उसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे उसमें हम। अभी थोड़ा टेस्ट आने के लिए और थोड़ा अच्छा स्मेल आने के लिए हम उसमें देसी घी ऐड करेंगे, थोड़ा देसी घी डाल देंगे, फिर उसको हम ढक देते हैं। अभी उसको हम ढक लेते हैं 5 मिनट के लिए। अभी हमारा बैंगन पूरा ठंडा हो चुका है, अभी उसमें हम दही में डाल देंगे। अभी हमारा दही बैंगन पूरा बनके तैयार हो गया है, उसका बहुत दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को ट्राई कीजिएगा।